हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको होता है कि मैं अपने इस चैनल पर आपको लगातार यूपी ट्रिपल सी मंडी परिषद लोअर पीसीएस या जो भी एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो तैयारी है मैं आपको करवा रहा हूँ। करंट अफेयर, जीके जीएस, इसके अलावा मैथमेटिक रीजनिंग सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर लगातार आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा बीच में कुछ अपडेट्स भी देते रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो सबसे पहली बात तो एक और एग्जाम जो है यूपी ट्रिपल सी तरफ से उसका जो डेट है वो आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर मैं लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जान लेते हैं वो अपडेट के बारे में। तो भाई यहां पर देख सकते हैं कि आज यानी कि 21 मई को ये अपडेट आई है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से। और यहां पर लिखा गया कि आयोग के विज्ञापन संख्या 20 परीक्षा 2016 द्वारा विज्ञापित जो कन्या परिवेक्षक यानी कि जो केन सुपरवाइजर है जो 473 पदों पर उसका चयन होना था उसकी लिखित परीक्षा 7/6/2019 को है। और बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं 7/6/2019 को, और इसका जो एडमिट कार्ड है जल्दी आ जाएगा। इसके पहले आपका पता है कि मंडी परिषद का एग्जाम लगा हुआ है और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ है, तो उसके भी एडमिट कार्ड पहले आएंगे। सभी लोग परेशान है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो भाई 25 तक वेट कर लो, आ जाएगा, उसके पहले हो सकता है आज ही कल में आ जाए। तो 25 के पहले पहले या 25 तक आपका जो एडमिट कार्ड है आ जाएगा। टेंशन मत लो यार, फालतू में परेशान मत हो। एडमिट कार्ड एक लोग का नहीं, मतलब सबका अभी नहीं आया है, तो आराम से सब लोग परेशान मत हो, एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते भैया आज की जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, निम्नलिखित में से किसे सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अक्षय कुमार जी को बनाया गया, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आपका देखिए यहां पर कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजेश सिंह ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिसके तहत किस शहर के कई हिस्सों में मुफ्त वाईफाई और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है दिल्ली, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दिल्ली में जो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है लॉन्च किया गया, इसके तहत क्या होगा, इसके बहुत सारे हिस्सों में मुफ्त में वाईफाई और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे गलत बात तो ये लगती है ना कि जितने भी बड़े शहर है जहाँ पर ऑलरेडी वाईफाई ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं वहीं पर उनको फ्री में दिया जा रहा है। जैसे हम लोग के छोटे शहरों में ये सारी चीज़ें अभी कभी भी पता नहीं कब तक आएंगी, आई डोंट नो। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 13 से 16 अगस्त तक फिजी की यात्रा पर रवाना हुआ। तो यहाँ पर याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो INS सह्याद्री ये जो जहाज है ये 16 अगस्त तक, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक फिजी की यात्रा पर भारत से रवाना हुआ है, भारतीय नौसेना का ये जहाज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है भाई, साहित्य के लिए वर्ष 2001 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले किस भारतीय मूल के मशहूर लेखक का लंदन स्थित अपने घर में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ पर V.S. नायपाल। तो याद रखिएगा इनके बारे में क्या क्या याद रखना आपको कि ये साहित्य में 2001 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं और ये भारतीय मूल के लेखक है जो कि लंदन में रहते थे, अपने घर में 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, V.S. नायपाल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैत्री का जो आयोजन है वो भारत और थाईलैंड यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन दो देशों की सेनाओं के बीच जो है इस मैत्री अभ्यास का जो आयोजन है वो किया गया है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट देखिए आपका कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने मोबाइल ऐप निर्यात मित्र लॉन्च किया है। तो इस मोबाइल ऐप का नाम याद रखिएगा निर्यात मित्र, या क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, भाई याद रखिएगा कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो निर्यात मित्र। तो चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ग्रहण की। तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा भैया न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने, तो न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की जो शपथ ग्रहण की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। काफ़ी लोग कहते हैं मैं काफ़ी तेज बोलता हूँ, तो चलिए ठीक है, कोशिश करूँगा धीरे धीरे आपको समझाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी स्वास्तिका घोष और सिंगापुर की जिंग जन होंग की जोड़ी ने हांगकांग जूनियर व कैडेट ओपन 2018 में जूनियर लड़कियों के युगल वर्ग में कौन सा पदक हासिल किया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्वास्तिका घोष, जितने भी नाम होते हैं ना, नाम याद रखिएगा और देश याद रखिएगा, तो ये भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और सिंगापुर की जिंग जन होंग यानी कि इन दोनों की जोड़ी ने हांगकांग जूनियर व कैडेट ओपन 2018 में जूनियर लड़कियों के युगल वर्ग में जो पदक हासिल किया है वो याद रखिएगा कांस्य पदक। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अर्थशास्त्री सत्य एस त्रिपाठी को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको भैया नियुक्त किया गया यूएन में सहायक महासचिव व न्यूयॉर्क में स्थित यूएनईडी ऑफिस के प्रमुख के रूप में। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण नामक एक योजना लागू की गई है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा सांस्कृति मंत्रालय, नाम से भी पता चल रहा है भाई संस्कृति जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण और यहाँ पर भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण नामक एक योजना जो है लागू की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 जुलाई 2018 को भारतीय नौसेना के कमांडर अभिलाष टॉमी किस देश से आरंभ हुई समुद्री यात्रा गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको इसके बारे में वन लाइनर के रूप में बता चुका हूँ। तो याद रखिएगा यहाँ पर फ्रांस, ऑप्शन जो इसका बी है फ्रांस, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने मेरे वन लाइनर्स करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो 5 पार्ट्स में मैंने बनाए हैं और लगभग मैंने सारे के सारे करंट अफेयर वहाँ पर कवर किए हैं, पुरस्कार, खेलकूद, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा उत्तर प्रदेश बजट, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सब कुछ मैंने आपको कवर करवाया है। तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। अगला पॉइंट आपका कह रहा है, हाल ही में किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC का दूसरा व अंतिम मसौदा जारी किया गया? तो भैया याद रखिएगा असम राज्य द्वारा। तो ऑप्शन जो इसका बी है असम राज्य, वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हाल ही में कौन विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत माउंट ओजोस डेल सलाडो पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय पर्वतारोही बने? देखिए नाम तो सबसे पहले याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत माउंट है वो कौन सा है? माउंट ओजोस डेल सलाडो याद रखिएगा। और इस पर चढ़ने वाले जो दूसरे पर्वतारोही बने हैं वो कौन बने भैया? सत्यरूप सिद्धांत, काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के लिए शुभंकरों का क्या नाम है? तो याद रखिएगा टोक्यो जो 2020 है उसके लिए भैया जो शुभंकर्स के नाम रखे गए हैं वो अगर हम बात करते हैं ओलंपिक्स के लिए तो मिराई तोता, और पैरा ओलंपिक्स की बात करते हैं सोमाइटी। तो याद रखिएगा मिराई तोता आपका ओलंपिक्स के लिए और पैरा ओलंपिक्स के लिए आपका सोमाइटी रखा गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 20 जुलाई 2018 को प्रसिद्ध क्या भाई जो गोपाल दास नीरज है उनका निधन हो गया, वो क्या थे? फिल्म निर्माता थे, कवि थे, नर्तक थे या वैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा ये जो थे ये बेसिकली आपके एक कवि थे। तो गोपाल दास नीरज जी जो थे वो आपके एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नासा के उस मिशन का नाम क्या है जिसे जल्द ही सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा? तो नासा के उस मिशन का नाम बताना आपको। तो याद रखिएगा भैया पार्कर सोलर प्रोब। तो पार्कर सोलर प्रोब ये नासा का एक मिशन है और जिसको जल्द ही सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 26 जुलाई 2018 को नीति आयोग ने आज कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो अटल नवाचार मिशन और भारत सरकार के नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म माईगाव के बीच गठबंधन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर इनोवेट इंडिया। तो ऑप्शन जिसका इनोवेट इंडिया, हैशटैग इनोवेट इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो ये प्लेटफॉर्म जो है ये बेसिकली अटल नवाचार मिशन और भारत सरकार के नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म माईगाव के बीच गठबंधन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो याद रखिएगा अरुणा साई राम को। तो अरुणा साई राम को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए जो है चयनित किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो यहां पर आज का ये होमवर्क है आपके सामने, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, ऐसा मत कहिएगा कि नहीं बताया है। तो ब्रेग्जिट सेक्रेटरी का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया? तो ब्रेग्जिट सेक्रेटरी के नाम पूछ रहा है। तो आपसे यहां पर इसका जो आंसर है कमेंट करके बताना है। तो यहां पर इसका जो आंसर किए देख सकते हैं,
और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, आपको लगातार वहाँ पर जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको लगातार इसी तरह के वीडियोज़ अपने चैनल पर दे रहा हूँ, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि मैं लगातार आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा चैनल है डीए गुरुजी आर्यन सर, इस पर मैं आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके जो पीडीएफ हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी लोकसभा चुनाव से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन बनाए थे और बहुत सारे इसी तरह के करंट अफेयर क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन और यहाँ पर मैथ के स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, और प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। जो लोग प्लेलिस्ट नहीं पाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, प्लेलिस्ट देख सकते हैं मंडी परिषद के लिए प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा TCS के लिए, TCS संबंधित जो आपके रीजनिंग लोअर PCS मंडी परिषद रीजनिंग है, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं NTPC के लिए, और यहाँ पर हिंदी जो कि आप लोग ढूंढते हैं, तो हिंदी के लिए सबके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आपको वहाँ पर लगातार मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और लगातार ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूंगा इस चैनल पर और अपने सेकंड चैनल दोनों पर, तो दोनों पर मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। आप बस आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर के आता रहूं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में।